वो पांच कारण जो गरीब इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देते, इसीलिए कहते हैं कि गरीब गरीब ही मर जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला कारण, गरीब लोगों को लगता है कि पैसा बचाने से बढ़ता है, तो वो पैसा बचाने में लगे रहते, जिंदगी भर पैसा बचाते रहते हैं, कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं कहीं खुद का बिजनेस की नहीं सोचेंगे, कहीं नया स्टार्टअप की नहीं सोचेंगे, बस उनको लगता है कि पैसा बचाने से ही बढ़ेगा। वो जिंदगी भर पैसा बचाते ही रह जाते हैं, फिर भी वो जिंदगी भर में भी इतना भी नहीं बचा पाते कि उनके आगे की जनरेशन को फायदा मिले, बस इसी माइंड सेट में मर जाते हैं कि पैसा बचाने से बढ़ेगा और यही आगे भी ट्रांसफर कर जाते हैं। दूसरा कारण, नौकरी वाले की तारीफ। आस पास किसी की 10-15 हज़ार की नौकरी लग गई, उसकी ऐसी वाहवाही होती है। इससे होता क्या है, जो अभी एजुकेटिंग है, जिनको जॉब नहीं लगी, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पहले ही वो तारीफ सुन सुन के उनको भी वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। उनको लगता है अगर हमारी भी 10-15 हज़ार की नौकरी लग गई इसकी तरह, तो हमारी भी तारीफ। तो वो कभी उनके दिमाग में बिजनेस की बात नहीं आती, कभी उनको नहीं लगता कि हमारा छोटा सा स्टार्टअप होगा, हम खुद का कुछ करेंगे, खुद की वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कभी ये चीज़ दिमाग में नहीं आ पाती। आसपास के लोगों को देख के, आसपास लोगों की तारीफ सुन के उनको भी लगता है भाई 15 हज़ार की नौकरी लग जाएगी, 20 हज़ार की नौकरी लग जाएगी, कितनी अच्छी तारीफ होगी, रिश्तेदार में कितनी इज्जत होगी, बस वो दूसरे की नौकरी के लिए ही सोचते हैं। तीसरा कारण, गरीब लोगों को लगता है कि मेहनत करने से अमीर बनना चाहता है, हार्डवर्क करने से अमीर बनना चाहता है, खूब मेहनत करो अमीर बनना है, ऐसी बातें होती हैं गरीब लोगों में। यार जबकि अगर ऐसा होता तो एक मजदूर व्यक्ति अमीर नहीं होता क्या, कितनी मेहनत करता है वो। लेकिन यार मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, ये जनरेशन 2021 चल रही है, यहाँ पे मेहनत से कुछ नहीं होता है। और अगर आपको मेहनत करनी भी है ना, वो दिमाग से करो यार, शरीर से मत करो। शरीर से मेहनत करोगे तो गधा ही कहलाओगे, गधा माल ही बन के रह जाओगे, दिमाग से मेहनत करो। चौथा कारण, इन्वेस्टमेंट का डर। अगर किसी बच्चे ने किसी यूट्यूब वीडियो को देख के, कोई मूवी देख के किसी से इंस्पायर हो, कभी सोचा कि यार मैं खुद का कुछ करूँ, खुद का बिजनेस करूँ, इन्वेस्टमेंट का डर। कुछ लोग पास इन्वेस्टमेंट है नहीं, अगर है तो डर पेरेंट्स को कि यार इतना पैसा लगाएगा, 20-25 हज़ार रुपये लगाएगा, जब मैं बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, 50 लाख 2-3 लाख ऐसी बात करी नहीं, छोटा सा स्टार्टअप 20 हज़ार मान लो, पेरेंट्स लगाने ही नहीं देंगे 20 हज़ार। और भी कितना होता है पता है, 2 महीने लगते हैं कमाने में, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे। वो बच्चा जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्या वो पैसा आएगा, कोई पैसा नहीं है, वो 20 हज़ार सोचेंगे जोड़ लो, उनको तो ये लगता है बचाने से पैसा बढ़ता है, जोड़ ले बेटा अगले महीने और 10 हो जाएंगे 30 हो जाएगा, ऐसे जोड़ते रहेगा बढ़ते जाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे वो बच्चा, उनको गरीब वो गरीब ही रहेगा। पांचवा सबसे आखिरी कारण कि गरीब गरीब ही क्यों रह जाता है, कंपैरिजन। अब वो जहाँ रहता है वहाँ पे आसपास के लोग 15-20 हज़ार रुपये पर कमाते हैं ना, उनको बहुत अच्छा समझा जाता है या उनको बहुत हाई लेवल पे समझा जाता है, तो अपने आप को वो उनसे ही कंपेयर करता है, वो सोचता है मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं भी 15-20 हज़ार रुपये कमाने लग गया तो मैं इनकी तरह अमीर हो जाऊँगा। लेकिन जब वो कमाने लग जाता है, जब 25-30 साल की उम्र में आता है, उसकी शादी हो गई होती है, उसको पता चलता है कि 20 हज़ार रुपये से महीना से कोई अमीर नहीं बना, ना कोई बन सकता। लेकिन उस टाइम इतना देर हो चुकी, उसके सारे रास्ते ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। गरीब लोगों की जब शादी हो जाए, उनके रास्ते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट कारण यही है, कंपेरिजन विद नेबर्स, जो 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उन्हीं से एडमायर हो गए, वो भी नौकरी में सोचना चालू कर देता, सोचता 15-20 हज़ार रुपये कमाऊंगा मैं भी अमीर बन जाऊंगा, जो उसका मिसकंसेप्ट होता है, उसकी इमेच्योरिटी होती है। सी, अगर आपको सोच बनना है अमीर तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देखिए, और अगर आप कुछ अपने थॉट्स, आप कुछ अपनी जानकारी, आप कुछ अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके कंटेंट पर एक वीडियो बनाएंगे, जो आपको क्रेडिट देंगे उसका आपका नाम उसमें मेंशन करेंगे, आपकी फोटोज में मेंशन करेंगे, पूरा क्रेडिट